हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन क रेशेदार फसल, ऑप्शन ख फलीदार फसल, ऑप्शन घ अनाज फसल, ऑप्शन घ इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख फलीदार फसल। दूसरे नंबर पर है स्वपोषी का उदाहरण है, ऑप्शन क गाय, ऑप्शन ख बकरी, ऑप्शन घ मनुष्य, ऑप्शन घ आम का पौधा। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ आम का पौधा। तीसरे नंबर पर है खरीफ फसल के उदाहरण है, ऑप्शन का गेहूं, ऑप्शन ख आलू, ऑप्शन घ धान, ऑप्शन घ सोयाबीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ सोयाबीन। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, ऑप्शन का दाल, ऑप्शन ख शहद, ऑप्शन घ फल, ऑप्शन घ चावल। सही आंसर है ऑप्शन ख शहद। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, कटाई, इन्हें सही जगह पर आपको लगाना है। कौन सा किस जगह पर लगेगा? पहला नंबर, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में वहाँ फसल भी है, तो यहाँ पर फसल लगाएंगे खाली स्थान पर। दूसरा नंबर पर है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की डैश होती है तैयारी, मिट्टी की तैयारी होती है तैयारी, वहाँ ऑप्शन में भी था, यहाँ पर तैयारी हो गया। तीसरे नंबर पर है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगते हैं, तैरने लगते हैं, क्लियर? खाली स्थान पर तैरने लगते हैं। चौथे नंबर पर है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है, तो इसमें एक में होगा जल तथा पोषक आवश्यक है। लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 5 में, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है, हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है। नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जितना भी है वो कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, सही गलत निशान लगाएं। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। पहला में पूछा गया है, दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, गलत। दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है। दो नंबर में है, केंचुआ किसानों का मित्र है, सही। तीसरे नंबर पर है, अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, गलत। चौथे नंबर पर, बड़े पैमानों पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है, सही। पांचवें नंबर पर है, कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुरता होती है, सही। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मिलान करना है इसमें। पहला में है, कार्बनिक खाद जो ख नंबर से मिलेगा, पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अपघटन। दूसरा है, खरीफ फसल वो घ नंबर पर मिलेगा, धान मक्का। तीसरा नंबर पर है, खरपतवार नाशी वो सीधे ग नंबर पर मिलेगा, 2-4-D। फोर्थ नंबर पर है, उर्वरक अंगा नंबर से NPK। पांचवे नंबर पर, रबी फसल च नंबर पर गेहूं, चना, मटर। छठे नंबर पर, चारा फसल क नंबर पर मिलेगा, सुरान घास। इसमें कारण बताना है, पहला नंबर में अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए, दूसरा में केचुआ का किसानों का मित्र कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कारण।
तो इसका आंसर देखिए, ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में 16 से 18% तक नमी रहती है। अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम नहीं कम होनी चाहिए। अतः भंडार से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे नमी में कमी आ जाती है। दूसरा नंबर, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। आंसर, क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाता है और ह्यूमस बनता है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला बनाना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारा कारण वाला जो क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। 6 नंबर में है, खरीफ फसल के दो उदाहरण दीजिए, लिखिए। खरीफ फसल के दो उदाहरण लिखना है। आंसर, सोयाबीन और कपास। 7 नंबर पर है, रबी फसल के दो उदाहरण लिखिए। रबी फसल के दो उदाहरण लिखना है, मटर और सरसों। 8वें नंबर पर है, मिट्टी की तैयारी को से संबंधित किन्हीं दो औजारों के नाम लिखिए। आंसर, कुदाल और हल। 9 नंबर पर है, जल संरक्षण वाली किन्हीं दो सिंचाई पद्धतियों के नाम लिखिए। आंसर, ड्रिप इरिगेशन, छिड़काव तंत्र। यह 10 नंबर पर है, साइलो क्या है। आंसर, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले भंडार गृह को साइलो कहते हैं। 11 नंबर पर है, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक अनुच्छेद लिखिए। एक एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ कुछ इसके बारे में। तो पहले नंबर में है मिट्टी तैयार करना। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ, खेत की जुताई करके मिट्टी को समतल तथा ऐसा बना देना ताकि उसमें बीजों का अंकुरण व पौधों का विकास अच्छी प्रकार से हो सके, मिट्टी की तैयारी कहलाता है। दूसरा नंबर, बुआई। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। खेत में बीज बोना उचित दूरी व गहराई पर बुआई कहलाता है। तीसरा है निराई। फसलों के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को फसल से उखाड़ कर बाहर निकालने के प्रक्रम को निराई कहते हैं। बारह नंबर पर है, खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आंसर, खेत की फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे जो फसल के पौधों के साथ जलवायु स्थान खनिज लवण आदि सभी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें खरपतवार कहे जाते हैं। खरपतवार के अधिक वृद्धि के कारण फसल का उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए हमें खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। अब हम नियंत्रित करें, मतलब नियंत्रण के बारे में भी लिखने के लिए बोला गया था, तो चलिए लिखते हैं। पहला है, खरपतवार को हाथों से उखाड़ना। इस विधि में खरपतवार को हाथों से जड़ से उखाड़ कर अलग किया जाता है। दूसरा नंबर, यंत्रों की सहायता से खरपतवार को उखाड़ना। इस विधि में खरपतवार को खुरपा, कसोला, कस्ती, हैरो आदि यंत्रों की सहायता से उखाड़ कर फसलों से बाहर निकालते हैं। 13 नंबर, सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ है। सीड ड्रिल क्या है ये हमें जानना है, और इससे क्या लाभ है, प्रॉफिट है, वो जानना है। आंसर, ट्रैक्टर द्वारा संचालित एक आधुनिक बुआई उपकरण है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसका लाभ लिखना है, प्रॉफिट।
इससे बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, यही इसका प्रॉफिट है। 14 नंबर, जुताई से क्या लाभ है? आंसर, जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है, इससे पौधे की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने से आसानी होती है। जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन का आंसर 15 नंबर में है। निम्नलिखित को सही क्रम में इस तरह क्रम में लगाइए कि गन्ने का फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा पर है सिंचाई, तीसरा में है कटाई, चौथे पर है बुआई, पांचवे पर है मिट्टी तैयार करना, छठे पर है खेत की जुताई करना, सातवें में है खाद देना। तो हम लिखेंगे जिसको क्रम में लिखना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये आपको सही क्रम में लिखना है। तो आंसर, पहले मिट्टी तैयार करना है, फिर दूसरा खेत की जुताई करना, फिर तीसरा खाद देना, चौथा बुआई करना, फिर पांचवा सिंचाई, फिर छठा कटाई, फिर सातवां फसल को चीनी मिल में भेजना। क्लियर। 16 नंबर में फसल उत्पादन में किन किन आधारित फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है? आंसर, निम्नांकित आधारभूत कृषि पद्धतियों द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है। नंबर पर है